तो मैम हम ऑस्ट्रेलिया पढ़ चुके फिर दोबारा आप ऑस्ट्रेलिया क्यों पढ़ा रहे हो तो बच्चा जो हमने चैप्टर इलेवन में ऑस्ट्रेलिया को पढ़ा तो उसमें हमने उसकी लोकेशन फिजिकल फीचर्स को देखा पर यहाँ पर हम लोग एक केस स्टडी देखेंगे कि उसके ऊपर शिप रैरिंग रहे के ऊपर ठीक है सो so स्टूडेंट ये है हमारी शेप जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शेप हमें क्या देती है वूल है ना वही सब कुछ उस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कितनी क्यूट दिख रही है ना इसे लग रहा है घर ले आओ सो डियर स्टूडेंट as we have discussed in last video only uh, what that the official known name of Australia is Commonwealth of Australia <coughs> जो ऑस्ट्रेलिया है उसका ऑफिशियल नेम क्या है Commonwealth of Australia ये एक कंट्री है जिसमें मेन लैंड ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है तस्मेनिया आइलैंडस हैं और भी बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं it is the largest island and the smallest continent ये भी हम पढ़ चुके थे ये सबसे बड़ा आइलैंड है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का इसीलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया अगर हम एज अ कंट्री देखें तो ये सिक्स लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की पूरा के पूरा ऑस्ट्रेलिया सदर्न एमस्फेयर में है बहुत सारे रिसोर्सेज ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल हैं ठीक है और बेसिकली ये जो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये रेनफॉल पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है ना ऑस्ट्रेलिया इज़ रिच इन वेरियस रिसोर्सेज बहुत सारे रिसोर्सेज ऑस्ट्रेलिया में हैं पर इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चा ये इंटायरली किस पे डिपेंड करता है रेनफॉल पे अगर हम ट्रीज़ की बात करें अगर मैं ट्रीज़ की बात करूँ तो जो मोस्ट प्रोमिनट सबसे इंपॉर्टेंट ट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया का यूके लेफ्टस जिसे हम गम ट्री भी बोलते हैं और हिंदी में हम लोग इंडिया में इसको नीलगिरी का पेड़ बोलते हैं ठीक है ठीक्या? आप लोगों ने जब मेहंदी वगैरह लगाई होगी तो बोलते ना उसके ऊपर नीलगिरी का तेल लगता है तो वो यू लिफ्टस है ना प्रिक्ली, पियर, वेटल, अकाशिया। वेटल किसको बोलते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया के, के नेशनल फ्लावर हैं मिठा जो अकाशिया है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंडिया में बबूल ठीक है बबूल अपने पेरेंट्स से पूछो वो बताएंगे आपको बबूल के पेड़ है ना जो बबूल होता है उसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं आकाशिया और बबूल का जो फूल है मतलब आकाशिया का जो फ्लावर है वो ऑस्ट्रेलिया का नेशनल फ्लावर है इस चैप्टर में बच्चों हम लोग देखेंगे शिपरेरिंग ठीक है ऑस्ट्रेलिया में शिपरेरिंग कैसे होती है शिपरेरिंग का मतलब क्या होता है बच्चा शिप्स को फार्म हाउस पे रखना ठीक है किस परपस के लिए कमर्शियल परपस के लिए कि उससे हम वूल ऑब्टेन करेंगे और उसको मार्केट करेंगे मतलब सेल आउट कर देंगे मार्केट में चलो चलो जो शिप रेयरिंग है उसका मतलब होता है रेजिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक डोमेस्टिक शिप, शिप को रेज करना ब्रीड करना ये शिप रेयरिंग के अंदर आता है स्पेशली किसके लिए करोगे आप शिप्स को ब्रीड शिप को रेज, घरों में क्यों रखोगे क्यों उनको फार्म हाउस में रखोगे सो दैट यू हैव मीट मिल्क फाइबर फाइबर में क्या मिलेगा आपको बच्चा वूल मिल्क मिलता है शिप से और मीट मतलब उसको कट करके खा जाओ तो मीट मिल गया तो शिप रेरिंग मल्टीपर्पस है भाई बहुत सारे एम्स आपके फुलफिल हो जाते हैं एक शेप रेयरिंग करने से जैसे कि आपको मीट भी मिल जाता है आपको मिल्क भी मिल जाता है आपको फाइबर भी मिल जाता है शिप रेयरिंग इज अ ब्रांच ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हजबेंड्री का ही एक ब्रांच है शिप रेरिंग शिप रेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी के लिए जो ऑस्ट्रेलिया की जो एक इकोनमी है बच्चा जो अर्थव्यवस्था है वो शिप रेयरिंग उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है जैसे हम बोले इंडिया में कि भैया एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन देता है जी में खैर सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया के जी में देता है सर्विस सेक्टर जिसे हम दर्शरी सेक्टर भी बोलते हैं पर सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड करने वाला हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर है ना तो वहीं अगर मैं बात करूं कि ऑस्ट्रेलिया में उसकी इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है तो है शिप रेयरिंग ठीक है शिप वूल और मीट दोनों के लिए रेयर की जाती है जो वूल इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया की वो फाइनेस्ट क्वालिटी मरू वूल बनाने के लिए जानी जाती है ऑस्ट्रेलिया की वूल इंडस्ट्री किस वूल के लिए जानी जाती है वहाँ पर कौन सा सबसे अच्छी क्वालिटी का ऊन मिलता है तो वो है मरीनो वूल टू थाउजेंड वन में जो ऑस्ट्रेलियन वूल प्रोडक्शन था वो नाइन परसेंट था वर्ल्ड पॉपुलेशन इन टू थाउजेंड वन ऑस्ट्रेलियन वूल प्रोडक्शन काउंटेड फॉर नाइन परसेंट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन का नाइन परसेंट वूल कहाँ से ऑस्ट्रेलिया से ठीक है और इसमें फिफ्टी परसेंट वूल कौन सा है मरीनो वूल और फाइन क्वालिटी वूल प्रोडक्शन में मरीनों का एक शत्रु राज्य मतलब मनापली टाइप की है बहुत अच्छा फाइन बिल्कुल अच्छा वूल है मरीनो वूल अब बेटा जो शिप है ये ज्यादा सर्विस नहीं मांगती मतलब सेवा एवा नहीं मांगती है इजीलिए एडजस्ट कर लेती हैं है हर जगह तो जो शिप है वो ड्राई सीजन में भी सर्वाइव कर पाती हैं इसीलिए हम उन्हें मेनली कहाँ पर रेयर करते हैं जहाँ रेनफॉल फोर्टी सेंटीमीटर के एबव हों और कैन सर्वाइव ऑन शॉर्ट ग्रासेस छोटी छोटी घास जहाँ होती है वहाँ पर भी शिप सर्वाइव कर सकती हैं चलो अब एरियाज ऑफ शिप रेयरिंग देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ शिप रेयरिंग होती है तो जो मेन शिप रेयरिंग एरियाज हैं ऑस्ट्रेलिया के वो है मुरी डार्लिंग बेसिन ये हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कोस्टल एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जैसे ये रहा ऑस्ट्रेलिया इसका जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है वहाँ ये कोस्टल एरिया वेस्टर्न कोस्टल एरिया वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर भी आपको शिप रेयरिंग करने को मतलब अच्छी तरह हो सकती है विक्टोरिया कोइंसलैंड न्यू साउथ वेल्स यहाँ पर अच्छे से शिप रेयरिंग होती है कहाँ कहाँ शिप रेयरिंग हो रही है बच्चा मोरे डालेंगे बेसिन कोस्टल एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया कोइंसलैंड न्यू साउथ वेल्स यहाँ पर अच्छी खासी शिप रेयरिंग हो सकती है फिर हमने नए इम्पॉर्टेंट वूल मार्केट्स देखे हैं वेराज इम्पोर्टेंट वूल मार्केट्स मार्केट मतलब जहाँ पे वूल सेल सबसे ज़्यादा होता होगा वो है सिडनी न्यू साउथ वेल्स मेलबोर्न इन विक्टोरिया तो शिल्प रेडिंग के लिए जाने जाएंगे मोरे डालिंग बेसिन, ऑस्ट्रेलिया कोस्टल एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया क्विंसलैंड न्यू साउथ वेल्स पर इम्पॉर्टेंट वूल मार्केट वूल कहाँ कहाँ सेल होता है तो वो है सिडनी न्यू साउथ वेल्स और मेलबर्न इन विक्टोरिया अब हम देखेंगे कंडीशन किस कंडीशन में शिप रेयरिंग पॉसिबल है देखो कूल एंड ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन आर बेस्ट फॉर शिप रेयरिंग अगर आपको भेड़ पालनी है शिप को रेयर करना है तो कूल और ड्राई क्लाइमेट हो ठंडा भी हो सूखा हो तो चलेगा कूल एंड ड्राई क्लाइमेट ये जो क्लाइमेटिक एरिया है वो हाईली सुटेबल है फॉर वूल शिप वो शिप जो आपको वूल देंगे उनके लिए बहुत बढ़िया है कूल एंड ड्राई क्लाइमेट कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन ठीक है कूल cool मतलब ठंडा ड्राई मतलब सूखा क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो शिप रेयरिंग के लिए बहुत अच्छी और स्पेशल किसके लिए वूल शिप के लिए बेटा यहाँ पर आंसर भी मार्क है एक बार सुन लें कि कौन सा एरिया बहुत अच्छा होता है शिप रेयरिंग के लिए तो जो रग्ड माउंटेनियस एरिया होता है जहाँ पर शॉर्ट और पुअर पॉस्चर होता है मतलब थोड़ा बहुत घास अवेलेबल हो चारा अवेलेबल हो पास्चर का मतलब होता है चारा है ना शॉर्ट मतलब छोटा पुअर मतलब बहुत ज़्यादा क्वालिटी में भी अच्छा नहीं छोटी छोटी घास जहाँ लगी हो माउंटेन रग्ड माउंटेनियस एरिया पे जहाँ छोटी छोटी घास लगी हो वो बहुत सूटेबल है शिप रेयरिंग के लिए बेटा जितने भी थिनली पॉपुलेटेड ग्रास लैंड एरियाज़ हैं वो बेस्ट ग्रेजिंग फैसिलिटीज़ देते हैं थिनली पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम हो थिकली मतलब जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो थिनली मतलब जहाँ पॉपुलेशन बहुत कम हो तो जहाँ पॉपुलेशन कम होगी वो ग्रासलैंड भी एक अच्छी फैसिलिटी बेस्ट एरियाज हैं फॉर शिप रेयरिंग उसके बाद स्किल लेबर कैपिटल एंड बिग शिप फार्म आर आल्सो रिक्वायर्ड देखो स्किल लेबर मतलब वो लेबर जिनको शिप से वो निकालना आता हो ठीक है तो मतलब लेबर जो शिप्स के लिए जितने भी काम हो वो कर दें उनको अगर आता हो तो वो ज़रूरी पड़ेंगे हमें है ना दूसरा कैपिटल पैसा बहुत सारा लगेगा शिप को परचेस करना पड़ेगा फिर कई बार शिप्स को मेडिसिन इंजेक्शन पूरे उनकी मेडिकल केयर उन्नी होती उनको फूड वॉर्डर देना पड़ता है ठीक है उन्हें बात भी कराना पड़ता है तो एक पैसा पूंजी कैपिटल मतलब वो पैसा जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसे कैपिटल कहते हैं तो इसके लेबर भी चाहिए कैपिटल भी चाहिए बिग शिप फार्म मतलब एक बहुत बड़ा एरिया लैंड एरिया जहाँ पर आप शिप्स को रख पाओ है ना तो ये तीनों चीज़ें चाहिए पड़ेगी किसके लिए शिप रेयरिंग के लिए अब ये फीचर्स क्या हैं शिप फार्म के वो देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो शिप फार्म है उन्हें शिप स्टेशन कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में शिप फार्म को शिप स्टेशन बोलते हैं जो बहुत ही बड़े बड़े हैं इवन थाउजेंड्स ऑफ एकर हमारे इंडिया में दस बारह एकड़ ज़मीन किसी के, के पास होती है तो फूला नहीं समाता भाई उसका रोज़ किलो दो किलो खून बढ़ ही जाता है इस बात से कि भाई मेरे पास इतनी तो ज़मीन है तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ एकर्स में शिप बने और शिप स्टेश मतलब वो फार्म जहाँ पर शिप रेयरिंग होती है चलो जो शिप है वो डिवाइड होते हैं नंबर ऑफ फील्ड्स में उनमें प्रॉपर फेंसिंग होती है इस तरह की फेंसिंग हमने देखे ना वो हम तार लगा देते हैं कि शिप यहाँ से बाहर नहीं जाएंगी इतनी ही कैप्टिविटी में रहेंगी नहीं देखा होगा आप लोगों ने देखा होगा बेटा इतनी इतनी जगह में ही शिप रहेंगी चलो तो से जिससे रहते हैं नंबर ऑफ फील्ड्स में प्रॉपर फेंसिंग होती है वो ऐसे कांटे वाले तार नहीं लगे होते हैं ऐसे घुमा हुआ तार होता है और उस उसमें यूँ थोड़े थोड़े कांटे लगे होते हैं फेंसिंग होती है आ, मतलब वो फेंसिंग तार की भी हो सकती है वॉल की भी हो सकती है और कुछ भी हो सकती है ये जो फील्ड्स होते हैं इन्हें पेडॉक्स कहते हैं क्या बोलते हैं पेडॉक्स ये जो फील्ड है जहाँ पर प्रॉपर फेंसिंग फैसिलिटी होती है वॉल्ड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डॉग्स ये टू थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड शिप्स रहती है हर पैट में। मतलब एक डॉग में कितनी रहेंगे अप्रॉक्सिमेटली टू थाउजेंड टू थ्री थाउजेंड शिप है नंबर ऑफ फील्ड्स में इन नंबर ऑफ फील्ड को हम पेड डॉग्स बोलते हैं और हर डॉग्स में टू थाउजेंड से थ्री थाउजेंड तक शिप रहती हैं हर शिप स्टेशन किसी ना किसी फैमिली का होता है ठीक है इट इज़ लाइक मॉडर्न सेल्फ कंटेन विलेज विथ फैसिलिटीज़ फॉर ऑल इट्स रेसिडेंट्स मतलब ये जो शिप uh, स्टेशंस रहते हैं ये मॉडर्न विलेज की तरह ही होते हैं जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ देंगे आप अपने रेसिडेंट को जो भी लोग रहेंगे आस पास में उन्हें नेट भी चाहिए टी वी भी चाहिए रेडियो भी चाहिए फ़ोन भी चाहिए वो सारी फ़ैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल होती हैं जो ऑनर होता है रेसिडेंट्स का द ऑनर रेसिडेंस जो ऑनर का जो रेसिडेंस होता है उसे हम होम स्टे कहते हैं क्या कहते हैं होम स्टे ठीक है अब जो ऑनर है वो उसका जरूरी है कि वो शिप स्टेशन में ही रहें बाहर रहेगा तो प्रॉपर पता नहीं शिप्स की केयर हो रही है नहीं हो रही है ये उसे पता नहीं रहेगा तो जो ऑनर होता है वो वहीं पर रहता है और उसके घर को हम बोलते हैं होम स्टे ठीक है चलो कैटल रेयरिंग कैटल रेयरिंग की अगर हम बात करें बच्चा तो ऑस्ट्रेलिया एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया में इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री की तरह है क्या कैटल रेयरिंग ठीक है जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है है ना इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है वैसे ही कैटल रेयरिंग इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए कैटल रेयर किया जाता है बीफ के लिए बेसिकली बीफ हम बोलते हैं किसको काउ फैट को मतलब गाय के मांस को हम बीफ बोलते हैं ठीक है बीफ और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए कैटल को रेयर किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में अनलाइक शिप कैटल्स आर रेड इन रीजन ऑफ हायर रेनफॉल जैसे अभी हमने शिप्स को देखा था कि भैया ये सूखा मतलब कोल्ड और ड्राई सीजन को ईजिली अडॉप्ट कर लेती हैं दूसरे जो कैटल हैं उन्हें हायर रेनफॉल एरिया में रखा जाता है जहाँ पर डेंस वेजिटेशन होते कुछ जितनी ज़्यादा रेनफॉल होगी उतना ज़्यादा डेंस वेजिटेशन होगा वहाँ पर दूसरे एनिमल्स को रखा जाता है पर हमारी शिप्स तो छुटी छुट्टी घास खा कर भी खुश रहती हैं ना सेवेंटी परसेंट जो कैटल हैं वो बीफ कैटल हैं या डेयरी कैटल्स हैं या तो उनसे बीफ मिले या डेयरी प्रोडक्ट्स मिले ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है डेयरी प्रोडक्ट्स का अगर पूछा जाए कि डेयरी प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स कौन एक्सपोर्ट करता है तो वो करता है ऑस्ट्रेलिया और ये लीडिंग प्रोड्यूसर है बीफ का ठीक है बीफ मतलब जैसे मीट होता है ना सेम वैसे ही होता है फिर काउ के स्किन को हम क्या बोलते हैं बीफ है ना चलो अब जो बीफ कैटल है वो मेनली वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में न्यू साउथ वेल्स में और विक्टोरिया में ग्रो किए मतलब रखे जाते हैं रेयर किए जाते हैं If somebody asks you write down the name of the country which is the largest exporter of beef, what will you say? Australia is that country. जो आह uh, beef cattle है mainly western Australia में, Queensland में, New South Wales में grow किए जाते हैं ठीक है मतलब growing किए जाते rare किए जाते हैं भगवान पेड़ थोड़ी हैं जो grow grow का rare किए जाते हैं कहाँ कहाँ पर? Queensland, New South Wales, Victoria अगर हम डेयरी कैटल्स की बात करें तो डेयरी कैटल्स को रेस किया जाता है वेट प्लेन्स ऑफ सदर्न क्वींसलैंड क्वींसलैंड के सदर्न पार्ट में जो वेट प्लेन्स हैं नदर्न टेरिटरी है न्यू साउथ वेल्स है विक्टोरिया है, है यहाँ पर किसको रखा जाता है बच्चा डेयरी कैटल्स को ठीक है जो डेयरी कैटल्स हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छी घास चाहिए ठीक है टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए तो उन्हें हम वहाँ नहीं रख सकते इसलिए हम इन्हें कहाँ कहाँ रखते हैं वेट प्ले सो सदर्न क्वींसलैंड नदन टेरिटरी न्यू साउथ वेल्स विक्टोरिया क्योंकि यहाँ पर घास बहुत अच्छी है जो मेन पाट पोथ्स हैं उनका यूज़ किया जाता है एक्सपोर्ट के लिए किसके एक्सपोर्ट के लिए बीफ के ठीक है जो मेन पोर्ट पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह बंदरगाह मतलब जहाँ से शिप आती जाती रुकती है ना तो हम लोग शिप बीफ को एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ से ब्रिस्बिन पोर्ट से कैंस पोर्ट से डाविन पोर्ट से ब्रिस्बिन कांस डार्विन ये तीन पोर्ट इम्पोर्टेंट पोर्ट है जहाँ से बीफ एक्सपोर्ट किया जाता है मोस्ट ऑफ़ द मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स आर एक्सपोर्टेड टू इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्री बेसिकली इंग्लैंड का नाम दिया तो इंग्लैंड तो लिखना ही है पर दूसरी भी यूरोपियन कंट्रीज दी हैं जहाँ पर मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं बेटा ये तो हमने अभी लेट्स इंक्वायर ख़त्म किया हम थे यहाँ पर कि जो मेन ऑनर होता है रेसिडेंट उसका घर वहीं पर बना होता है फार्म लैंड में जिसे हम बोलते हैं होम स्टेट हम लोग अभी स्टेशन के बारे में पढ़ रहे थे ना जहाँ पर किट कैटल ड्राइविंग होती है ये जो स्टेशन होते हैं इनको किस कैसे मैनेज किया जाता है तो इनको मैनेज करने के लिए पेड वर्कर्स होते हैं जिनको हम प्रॉपर सैलरी देते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं जैक्रूज अभी बेटा ये जो जैक्रूज होते हैं इनके क्या काम होते हैं कि अगर कोई शिप को इंजरी हो जाए ठीक है तो उसका इलाज करो मतलब डॉक्टर के पास ले जाओ मैन फेंसिस टू प्रोटेक्टिप अगर कोई फेंसिंग कहीं से टूट गई है ख़राब हो रही है तो उसको बार बार सुधारो नहीं तो शिप भाग जाएंगी है ना मैन फेंसिस टू प्रोटेक्टिप फ्रॉम गेटिंग लॉस और फ्रॉम अदर वाइल्ड एनिमल देखो दूसरे जो जंगली जानवर होंगे वो तो भेड़ों को शिप्स को खा जाएंगे ना तो उससे भी बचाना है वो यहाँ वहाँ ना भाग जाए उससे भी बचाना है इसलिए फेंसिंग को मैंट करते रहते हैं ये लोग बेटा कंटिन्यूसली ये क्या करते हैं अगर किसी लॉक में किसी एरिया में पानी की या पास्चर की कमी हो गई तो शिप लेके कर यहाँ चले गए अगर यहाँ पे पानी पास्चर वाटर और पाश्चर घास और पानी की कमी हो गई तो यहाँ ले गए तो ये लॉक्स में शिप्स को घुमाते भी रहते हैं शिप रेयरिंग का जो सीज़न है वो स्टार्ट होता है समर्स समर्स और स्प्रिंग स्प्रिंग में 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 या तो में समर्स में आपको शिप करनी होती है, जो होते है उसके ऊपर का ऊन उसके हेयर को शेप कर लेना आप लोगों ने वो मूवी देखी होगी थ्री इडियट्स थ्री इडियट्स में वो साइकिल का पेडल चला चला के एक मशीन से ट्रिम कर रहे थे शिप को। देखा होगा ना याद है ना वो वैसा ही और फिर इस वूल को स्टोर कर लिया जाता है टू रिमूव वूल फ्रॉम द शेप इलेक्ट्रिकल शेविंग मशीन यूज बेटा आजकल इलेक्ट्रिकल शेविंग मशीन का यूज होने लगा है किसके लिए वूल को शिप से शिप के स्किन से अलग करने के लिए एक्सपर्ट्स को हायर किया जाता है टू शेयर शिप देखो स्किन में कट ना लग जाए है ना इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुली ही वूल को अलग किया जाता है जब शेयरिंग हो जाती है तो वूल को ग्रेडिंग के लिए पहुँचा दिया जाता है इसकी क्वालिटी फिर उसको बेल्स में बंडल बना बना के मतलब प्रेस किया जाता है इनटू बेल्स उसकी क्वालिटी के हिसाब से ग्रेडिंग के हिसाब से, से उसको अलग अलग करके भेज दिया जाता है नाइन्टी फाइव परसेंट वूल इज़ एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्री बाय ऑस्ट्रेलिया नाइन्टी फाइव परसेंट जो वूल प्रोड्यूस होता है ऑस्ट्रेलिया में वो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री को मटन इज ऑल्सो एक्सपोर्टेड बाई द कंट्री मटन भी एक्सपोर्ट करता है सिडनी एंड मेलो बेटा सिडनी और मेलबर्न क्या है बच्चा right हम द गोल्ड रश एक था जिसमें बहुत बड़ा माइल स्टोन आया किसकी हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में जब एक ग्रेट इम्पैक्ट आया उनकी अपनी इकोनमी पे किसका किसका बेटा जब उन्हें मिल गया गोल्ड कहाँ पर मिला गोल्ड न्यू साउथ वेल्स में डिस्कवरी हुई गोल्ड रश एक जहाँ पर डिस्कवरी हुई किसकी गोल्ड की कहाँ पर हुई न्यू साउथ वेल्स में करने वाले कौन थे एडवर्ड हाग्रेवर्स ठीक है एडवर्ड हाग्रेवस हाग्रेवर्स ने ढूंढ uh, लिया गोल्ड को कहाँ पर न्यू साउथ वेल्स में इस डिस्कवरी से बहुत सारे जो लोग थे फ्रांस के जर्मनी के इटली के अमेरिका के पोलैंड के ऑस्ट्रेलिया आने लगे गोल्ड ढूंढने और इसी यहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलिया में एग्रीकल्चर सेक्टर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन सब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा इंक्रीजिंग डिमांड को पूरा करने के लिए तो गोल्ड ड्रेस एक माइल स्टोन था किसकी हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया के हिस्ट्री में क्योंकि इससे उसकी इकोनॉमी ड्रास्टिकली चेंज हो गई एवरीबडी वॉज कमिंग टू ऑस्ट्रेलिया इवन अमेरिका पोलैंड जर्मनी इटली फ्रांस फॉर फॉर सर्चिंग गोल्ड गोल्ड इज़ वैल्यूएबल टिल नाउ आज भी गोल्ड की बहुत वैल्यू तो तो है तो उस टाइम में तो गोल्ड की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू थी तो एवरीबडी वॉज देयर इन ऑस्ट्रेलिया फॉर गोल्ड ऑस्ट्रेलिया न्यू वर्ल्ड और जो न्यू वर्ल्ड है उसमें बहुत नया है क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है उसको बहुत टाइम तक डिस्कवर नहीं किया गया था सेवनटीन हंड्रेड्स तक डिस्कवर नहीं किया गया था एक बार कैप्टन अबेल तस्मान जो डच के हैं सिक्सटीन फोर्टी टू में वो गए कहाँ पर सदन ऑस्ट्रेलिया में और उन्होंने तस्मानिया को डिस्कवर किया टू डिस्कवर मोर अबाउट द कॉन्टीनेंट एक शिप थी जिसमें जेम्स कुक थे वो ईस्टर्न कोस्ट पे ऑस्ट्रेलिया के उतरे उन्होंने अपना झंडा वहाँ लगाया और उसे आज हम न्यू साउथ वेल्स कहते हैं और कहा कि भाई अब ये इंग्लैंड का है चलो तो होती है बात यहाँ खत्म स्टूडेंट दिस वीडियो हियर ओनली इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम दीज वर्ड आर वेरी इंपॉर्टेंट सो रीडवान्स शिप स्टेशम पेडॉक्स लार्ज फैंस फील्ड Home state, honor owner's ka Girl, Honor's resident at Ship Stations, Jack Roo's paid workers who is taking care about the ships, ship rearing, raising and breeding of domestic ship. So I am ending this video here only if you have any doubt, any problem to write in comment section.